हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं स्टूडियो में आपको 15 मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी मिथ के बारे में बताने वाला हूं, जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। यानी कि 15 ऐसी झूठी बातों के बारे में बताने वाला हूं, जो ज़्यादातर भारतीय गर्भवती महिला उन बातों को सच मानकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी उन सारी बातों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी इसी तरह की वीडियो हर रोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो हर रोज़ लाता रहता हूँ। सो हाई फ्रेंड्स, मैं हूँ इरफान और आप देख रहे हैं सेहत राहत। मिथ नंबर 1, प्रेगनेंसी के दौरान पपाया यानी कि पपीता खाने से मिसकैरेज हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कई सारे भारतीय महिलाएं ऐसा सोचती है कि पपीता खाने से मिसकैरेज और गर्भपात हो जाता है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पपाया हीटी फूड्स होते हैं। अगर इसे प्रेगनेंसी के शुरुआती में यानी कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में लार्ज क्वांटिटी में खाया जाए तब इससे मिसकैरेज हो सकता है, लेकिन गर्भवती महिला प्रेगनेंसी के चौथे महीने, पाँचवें महीने, छठे महीने में पपाया यानी कि पपीता का 1 या 2 स्लाइस बिल्कुल खा सकती है, इससे मिसकैरेज नहीं होता है। मिथ नंबर 2, प्रेगनेंसी के दौरान नारियल पानी पीने से या केसर का इस्तेमाल करने से होने वाला बच्चा गोरा पैदा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी भारतीय महिला में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, नारियल पानी पीने से या केसर का इस्तेमाल करने से बच्चे का रंग गोरा नहीं होता है। बच्चे का रंग माँ बाप के जीन पर डिपेंड करती है और ये ऑलरेडी इनहेरिटेड होता है, यानी कि ये पहले ही तय हो चुका होता है कि आपके बच्चे का रंग क्या होगा। मिथ नंबर 3, प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशनशिप बनाने से मिसकैरेज हो जाता है। कई सारी भारतीय महिला ऐसा सोचती है कि प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए और इससे मिसकैरेज हो जाता है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला रिलेशनशिप बिल्कुल बना सकती है, लेकिन हाँ, कुछ केसेस में गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हाई रिस्क की प्रेगनेंसी है, तब इसमें गर्भवती महिला को रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। अगर गर्भवती महिला कंफर्टेबल फील करती है तो वो प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल रिलेशनशिप बना सकती है। मीथ नंबर 4, कुछ महिलाओं का मानना ये है कि अगर बच्चा रात में पैदा हो तो वो बच्चा रात में जागता है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, बच्चे का रात में पैदा होना या बच्चे का रात में जागना, इन दोनों के बीच कोई भी साइंटिफिक रिलेशन नहीं है। इट मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मीथ नंबर 5, कुछ प्रेग्नेंट वुमेन का मानना ये है कि अगर उनकी माँ की प्रेगनेंसी या अगर उनकी माँ की डिलीवरी बहुत ही ईजी थी तो उनकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही ईजी होगी, उनकी डिलीवरी भी बहुत ही ईजी होगी, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, आपकी प्रेगनेंसी ईजी होगी या बहुत ही डिफ़िकल्ट होगी, ये आपके बच्चे के साइज़ पर डिपेंड करता है, ये आपके बच्चे के पोजिशन पर डिपेंड करता है, ये आपके प्रेगनेंसी के दौरान डाइट और प्रेगनेंसी के दौरान लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है, ना कि आपके माँ की प्रेगनेंसी पर डिपेंड करता है। मिथ नंबर 6, कुछ गर्भवती महिला का मानना यह है कि अगर गर्भवती महिला का पेट ऊपर की तरफ होता है तो लड़की पैदा होता है, अगर गर्भवती महिला का पेट नीचे की तरफ होता है तो लड़का पैदा होता है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह से बिल्कुल गलत मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका पेट, गर्भवती महिला का पेट ऊपर होगा या नीचे होगा ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है, यानी कि कुछ गर्भवती महिला का मसल टोन बहुत ही अच्छी होती है जिससे उनका पेट ऊपर की तरफ हो जाता है, कुछ गर्भवती महिला के दूसरी प्रेगनेंसी होती है, कुछ गर्भवती महिला की दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी होती है तब उनका पेट नीचे की तरफ हो सकता है। मिथ नंबर 7, कुछ महिलाओं का मानना है कि प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में घी खाने से डिलीवरी बहुत ही इजी होती है, डिलीवरी में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह से बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, कभी कभी कस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, इससे डिलीवरी में बहुत ही आसानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डिलीवरी बहुत ही आसान हो, बहुत ही स्मूथ हो, कोई भी दिक्कत ना हो, तो आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, इससे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। मीथ नंबर 8, इंडिया में गर्भवती महिला को ये भी कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें 2 लोगों के लिए खाना खाना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए या एक हेल्दी बेबी के लिए गर्भवती महिला को एवरीडे सिर्फ और सिर्फ 300 कैलोरीज की ही ज़रूरत होती है। अगर गर्भवती महिला 300 से ज़्यादा कैलोरीज को कंज्यूम करती है तो इससे गर्भवती महिला का वेट बढ़ने लगता है। मिथ नंबर 9,
बहुत सारी गर्भवती महिला ये सोचती है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वोमेन का फेस ग्लो करने लगता है, वो खूबसूरत दिखने लगती है, तो ये बेबी गर्ल होने का सिंबल होता है, बेबी गर्ल होने का सिम्टम होता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाने की वजह से उनके फेस का ग्लो बढ़ जाता है। मीथ नंबर 10, बहुत सारी गर्भवती महिला सोचती है कि उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान ब्लैक या डार्क फूड्स बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, इससे उनके बच्चे का रंग काला हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि बच्चे का रंग माँ बाप के जीन पर डिपेंड करता है, बच्चे का रंग माँ बाप के जीन से पहले ही तय हो चुका होता है कि बच्चे का रंग क्या होगा, गोरा होगा या काला होगा। मिथ नंबर 11, बहुत सारी महिलाएं ये बोलती है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, ये भी पूरी तरह से गलत है। ऐसा नहीं है, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को हल्की फुल्की एक्सरसाइज या हल्की योगा जरूर करनी चाहिए, उन्हें हैवी या हार्ड एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गर्भवती महिला अगर हल्की हल्की या लाइट एक्सरसाइज करती है तो उन्हें प्रेगनेंसी के डिस्कम्फर्ट से राहत मिलती है और उनकी डिलीवरी में बहुत ही आसानी होती है। मिथ नंबर 12, कुछ महिलाओं का मानना ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला को कोई भी फूड के लिए क्रैविंग हो तो वो फूड गर्भवती महिला को खा लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, प्रेग्नेंट वुमेन को ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को कई तरह के चीज़ें खाने का मन करता है। अगर वो सारी चीज़ें खाने लगेगी तो उन्हें अनएडवाइसेबल वेट गेन हो जाएगा, उनका वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और हो सकता है कि जो फूड वो खा रही हैं वो फूड उनके गर्भ में शिशु के लिए बहुत ही हार्मफुल हो। तो मेक श्योर कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान कुछ भी खा रही हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उनसे एक बार परमिशन जरूर ले लें, तभी आप कोई फूड को खाएं। मीथ नंबर 13, कुछ महिलाओं का मानना यह है कि अगर गर्भवती महिला का पेट बड़ा होता है तो गर्भ में बच्चा भी बड़ा होता है, अगर गर्भवती महिला का पेट छोटा होता है तो गर्भ में बच्चा भी छोटा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये भी मानना बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गर्भवती महिला का पेट बड़ा होना या छोटा होना ये गर्भवती महिला की हाइट पर डिपेंड करता है। अगर गर्भवती महिला का हाइट बहुत ही ज़्यादा है तो उनका पेट छोटा भी हो सकता है, अगर गर्भवती महिला का हाइट छोटा है तो उनका पेट बड़ा भी हो सकता है। मीथ नंबर 14, कुछ महिलाओं का मानना यह है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के टमी पर हेयर होता है तो बेबी बॉय होता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये भी एक बहुत ही बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गर्भवती महिला के शरीर में मेल हार्मोन बढ़ जाने की वजह से उनके टमी पर हेयर हो जाते हैं। मीथ नंबर 15, कुछ महिलाओं का मानना है कि सभी महिलाओं के स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगभग 50% वोमेन को स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को स्ट्रेच मार्क्स नहीं भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहा होगा और आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपके मन से ये सारे मिथ भी दूर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होगा, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप पर जरूर शेयर करें, हो सकता है कि ये वीडियो किसी के लिए बहुत ही खास हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और इसी तरह के हमारे खास वीडियो देखने के लिए सेहत राज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।